हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, कल को आप जानते हैं एक नोटिफिकेशन आई थी और सब्सिक्वेंटली हमने भी एक वीडियो यहां पे निकाली गई थी, एक रिकॉर्डिंग वीडियो थी बाय शरीफ सर, जहां पे आपको पता चला कि अब ऑफिशियली वी नो कि 4002 पोस्ट हैं। अब आपको वहां पे डेट्स भी आ चुकी हैं कि कितनी डेट्स तक आपको अपना यू नो फाइल वगैरह करना है। यस, देयर आर मेनी इश्यूज। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए वगैरह, वो सब होना चाहिए। देखिए, वो सब सरकार के हाथ में है। वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके पॉइंट सामने रखे या जो भी है, आप यू कैन लेट अस नो जो भी आपके इश्यूज है। ऑल्सो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं ऐप पे चल रहे हैं, डाउनलोड और ऐप विद जुड़ार, और आज के दिन मुहर्रम का वहां पे आपको एक कूपन कोड मिलेगा जब आपको 40% ऑफ ऑन कोर्सेज, कॉन्स्टेबल कोर्स, प्लस कल को आपको कोई और सीरीज, टेस्ट सीरीज लेनी है, आप आज उसको बाय कर सकते हैं क्योंकि सब आपको वहां पे 40% ऑफ में मिलेगा। प्लस लाइक आई सेड, हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी गांधीनगर एंड कैनाल रोड पे चल रही हैं, एज वेल एज विजयपुर पे। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, कूपन कोड हमारा 40% ऑफ सिर्फ आज के दिन है, कोड इज मुहर्रम। ठीक है, उसको यूटिलाइज करिए, बाय द कोर्स। वहां पे डिटेल लेक्चर्स में आपको सब मिलेगा। यूट्यूब पे प्रिसाइज लेक्चर्स विद एमसीक्यू चलते हैं, वहां पे रोज डिटेल लेक्चर्स चलेंगे जिस हिसाब से आपकी क्लासेस रहती हैं। ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड, आज हम बात करेंगे आपका पार्ट 5, दैट इज प्रेसिडेंट, और यहाँ पे आपके आर्टिकल्स रहेंगे 52 to 78। नाउ सब आर्टिकल्स करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेन हमारा क्या रहेगा। नाउ प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है बताइए। दिस इज द्रौपदी मुर्मू। क्यों पूछा मैंने, और मैंने यू नो एक गैप क्यों लिया, क्योंकि आजकल भी बच्चों को लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बातों बातों में बोल देते हैं नरेंद्र मोदी, हुआ है ये पहले भी, इसलिए आई एम सेइंग। नाउ जब आपने पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर ही वो इलेक्ट हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़े आपने वीडियोस देखे होंगे। गाइस देखिए क्या रहता है, पॉलिटी जैसे लेक्चर में ना आपको कुछ करंट अफेयर्स और लाइफ क्या हो रहा है उसके रिलेटेड भी देखना पड़ेगा। आज के टाइम पे बस विद इन फ्यू डेज लोकसभा वापस शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स पार्लियामेंट वापस चलेगा, नॉट लोकसभा, पार्लियामेंट वापस चलेगा, बजट सेशन रहेगा, बिजी रहेगा। जरा देखिए एक बार कि लोकसभा क्या रहता है, राज्यसभा क्या रहता है, कैसे वहां पर डिबेट्स हो रहे हैं, अगर उनकी मर्जी हुई डिबेट करने की तो। ठीक है, अब गाइस प्रेसिडेंट क्या रहता है, प्रेसिडेंट के सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो सकते हैं, 35 इयर्स ऑफ एज रहनी चाहिए, या ही और शी शुड बी एप्लीकेबल कि वो लोकसभा कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए कि वो लोकसभा मेंबर भी बन पाए। और ये हो गया आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, एज इसमें इंपॉर्टेंट है। ओथ कौन देता है आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वेरी इंटरेस्टिंग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को कौन ओथ देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन ओथ देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आ जाते हैं उन सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ देती है। जैसे आपने देखा होगा फाइनेंस कमिश्नर है, यूपीएससी का हेड है, जो भी सब है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है। ठीक है, सो ये हेड है आर्म्ड फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं ना आपका हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है। रिपब्लिक डे पे सल्यूट कौन देता है, सलामी कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट हमारा जब हम यहाँ पे अभी हम पावर्स के रिलेटेड भी बात करेंगे, आप जब पावर्स के रिलेटेड बात करेंगे ना तो थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, उस ट्विस्ट का भी जरूर वेट करना। अच्छा, ओथ हो गया, टेन्योर कितना रहता है यहाँ पे, 5 years, हमारे यहाँ पे 5 years रहता है, यूएसए में 4 साल का रहता है। जैसे वहां पे 2020 में इलेक्शन हुए थे, अब वहां पे इस साल फिर से इलेक्शन है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनकी इलेक्शन के रिलेटेड। आई नो इलेक्शन 5 साल की, इलेक्शन कौन कराता है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कौन वोट करता है इनको,
ना आपने कभी सुना नहीं होगा, हम कभी प्रेसिडेंट को वोट करने नहीं गए, ना हम करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है इनडायरेक्ट। क्या होती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन आप कौन कौन वोट करते हैं ये ध्यान से सुनो, ये अभी ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। एमपीज हो गए हमारे लोकसभा राज्यसभा के, एमएलए हो गए स्टेट के, स्टेट्स एमएलए हो गए दिल्ली और पुडुचेरी। स्टेट समझ आ गया, दिल्ली और पुडुचेरी क्यों? क्योंकि इन्हीं दो स्टेट्स में आपका ये है असेंबलीज हैं। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है इलेक्शन होता है, दिल्ली में भी अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन दो यूटीज में आपके, कल को शायद जे एंड के भी ये लोग ऐड कर ले, इन दो यूटीज में आपके इसमें आ जाते हैं ये मेंबर्स आते हैं जो ये वोट करते हैं प्रेसिडेंट का। उनका अलग प्रोसीजर रहता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन का, कभी देखिएगा बड़ा मजा आएगा। बस आपको अपने कोर्स के लिए ये तीन चीजें याद रखनी है कि कौन कौन है जो वोट करता है। याद रखना लोकसभा राज्यसभा दोनों के एमपी वोट यहां पे करते हैं। ये हो गया आपका इलेक्शन। अब बात करते हैं यहां पे पावर्स के रिलेटेड। ठीक है, पावर्स के रिलेटेड, बट उससे पहले बात करते हैं वैकेंसी। कल को अगर वैकेंसी होती है, वैकेंसी किस हिसाब से हो सकती है? अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई या टर्म खत्म हो गया, दैट मीन्स एक्सपायरी ऑफ टर्म हो गया, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर लिया, या अगर इम्पीचमेंट हो गई। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस रहता है जहां से देखो प्रेसिडेंट, ये जो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इनके अगेंस्ट ऐसे आप नहीं हटा सकते उनको कि भाई मैंने तुम पे केस फाइल कर लिया तो अब तुम हट गए, ऐसे नहीं इनकी पोस्ट हटती है। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या रहता है कि कोई हाउस रहता है वो वहां पे एक रेजोल्यूशन पास करती हैं 50 लोगों का। जब वो रेजोल्यूशन पास होता है फिर उस पर डिबेट डिस्कशन वगैरह होती है, दे पास कि भाई इसके साथ इम्पीचमेंट हो जाए, एक प्रोसेस हो जाए, इसको रिमूवल किया जाएगा। अब उस क्यों किया जाता है, अगर उनको लगता है कि नहीं यार इसने अपने टेन्योर में कुछ इरेगुलरिटीज की हुई है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया हुआ है, तब। अभी तक हमारी कंट्री में ऐसा हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि उतना अथॉरिटी या उतना जिसको कहते हैं पावर नहीं है हमारे प्रेसिडेंट में। लाइक ऐसे ट्विस्ट लास्ट में आएगा। ये हो गया आपका वैकेंसी के रिलेटेड। चलिए अब मैं बात करती हूं पावर्स। पावर जिसके लिए सब बैठे हैं यहां पे, एग्जीक्यूटिव पावर आ गया आपका पहले। एग्जीक्यूटिव पावर क्या बोलते हैं? कोई भी एक्शंस है, जो भी सरकार एक्शन लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे लेती है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे लेती है, एज सिंपल एज दैट। कोई भी वहां पे अपॉइंटमेंट्स होती है, मैंने आपको पहले क्या बोला स्टार्टिंग में, अपॉइंटमेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट के आगे आप, ये सब सब चीजें जब आ जाती हैं तब इसमें प्रेसिडेंट का रोल आता है। ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड, कैसे इसकी एग्जीक्यूटिव पावर इसमें आ गई। देन आता है इसमें आपका लेजिस्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एक नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे ना, वहां पे हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा राज्यसभा आता है, सबसे पहले वहां पे हम लिखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक पार्ट है आपका पार्लियामेंट का, ये एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि जो बिल्स हम पास करते हैं, जो पार्लियामेंट बिल्स पास करती है, आपकी फाइनेंशियल बिल्स, मनी बिल्स, जो भी बिल्स हैं वो डिस्कस करती है, फिर जाती है वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है कि हाँ भाई ठीक है, गुड टू गो। ठीक है, उसका प्रोसीजर हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे क्या रहता है, बट प्रेसिडेंट के पास असेंट जाती है और वो वहां पे फिर उसको ग्रीन सिग्नल देता है। अच्छा, अभी जैसे इलेक्शंस खत्म हो गए, अभी पिछले दिनों में क्या हुआ था, आपने देखा था एक सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, उस सेशन का स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ था,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पीच दी थी, वो हर टाइम ये करती आज के टाइम तो मैं करती ही बोलूंगी, क्या लिखा है लाइन पढ़ो, एट द कमेंसमेंट दैट मीन स्टार्ट ऑफ एवरी फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, दैट मीन जनरल इलेक्शन हो गई अभी जून में रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो पहला सेशन आता है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक स्पीच देती है, वो उसका हक है वहां पे देना, एक एड्रेस करते हैं, नॉट स्पीच, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स एड्रेस, उसके रिलेटेड फिर डिबेट्स डिस्कशन होते हैं जो उसमें भी हम लोग हमारे वाले लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, स्पीकर को अपॉइंट करता है, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें आ जाता है राज्यसभा में ना, ये भी आपको एक क्वेश्चन बनता है, 12 लोगों को वो नॉमिनेट करता है जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स वगैरह उनके रिलेटेड, एजुकेशन साइंस उनको लगता है, जैसे अभी सुधा मूर्ति इलेक्ट हुई थी, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर, रेखा, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, ये सब यू नो नॉमिनेट किए गए थे प्रेसिडेंट द्वारा, तो ये भी प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्या करता है, जिसमें आपको बताया बिल्स के रिलेटेड, वो आपका लेजिस्लेचर में आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है आपका, लेजिस्लेशन के रिलेटेड बिल्स की एसेंट वगैरह ये सब देता है, और इसमें फिर क्या आता है आपका, आता है फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल एज ए नेम सजेस्ट, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं भी डिटेल में नहीं बोलूंगी ज्यादा मनी बिल के रिलेटेड, क्योंकि पार्लियामेंट में रिपीट हो जाएगा, आप बस इतना सोचो जो मनी बिल जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पहले प्रेसिडेंट की पहले प्रायर परमिशन लेनी होती है, ओके। फिर बजट भी जो हम करते हैं इट्स इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, वो किया जाता है। फाइनेंस कमीशन जो रहता है, अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद बनता है, उसके रिलेटेड भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे जब बात करेंगे करेंगे, वो सब आपका जो कंट्रोल है वो आपका प्रेजेंट करता है, दैट मीन अपॉइंट करता है, नॉट कंट्रोल, अपॉइंट करता है। कॉन्टिंजेंसी फंड होती है, जो फंड्स वगैरह सरकार ने बनाई हुई है उनको भी वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपका जुडिशियल, अगेन चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करना, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, देन कुछ टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ व्यू ले सकते हैं, एक एडवाइस ले सकते हैं किसी मैटर में, और सुप्रीम कोर्ट दे सकता है उनको कि ठीक है भाई तुम एडवाइस लेना है ले लो। फिर क्या करता है, वो पार्डन करता है, वर्ड इज पार्डन, आपने सुना होगा माफीनामा कि प्रेसिडेंट के पास गई है, जैसे सपोज किसी का डेथ सेंटेंस है, सेशन कोर्ट ने दे दिया, हाई कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, फिर वो बोलते टेररिस्ट की काफी बार जाती है वहां पे, फिर वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास एक्चुअली होता है कि वो देखे कि यार जेन्यून है कि मैं दे दूं, क्या पता कितने सालों से जेल में बैठा है वगैरह। प्रेसिडेंट हाईएस्ट जो ये सबसे घिनौने अपराध है वैसे अभी तक दिया नहीं है, सो वो भी पार्डन पावर्स को कहते हैं, पार्डनिंग पावर है, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाता है। देन आता है आपका डिप्लोमेटिक पावर, देखिए डिप्लोमेटिक पावर में देखिए कैसे आपने देखा है प्रेसिडेंट विजिट रहती है बाकी कंट्रीज में, उसके नाम पे काफी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह भी साइन की जाती हैं, रिप्रेजेंट करता है इंडिया को काफी फोरम्स में, अफेयर्स में, ये सब चीजें रहती हैं, वहां भी प्रेसिडेंट का रूल इसमें आता है। मिलिट्री पावर मैंने आपको पहले ही बताया, मिलिट्री पावर में क्या रहता है, हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सुप्रीम कमांडर जिसको कहते हैं वो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अपॉइंट क्या करता है, किसको करता है, चीफ ऑफ आर्मी नेवी और एयरफोर्स, उनके हेड को ये चीफ डिक्लेयर भी करता है, अपॉइंट करता है, ये आता है आपके प्रेसिडेंट के पावर, ठीक है। अच्छा, रूल मेकिंग पावर भी क्या आता है इसमें रिलेटेड, अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताती हूँ, इसके लिए ना मैं ये सेपरेट ले लेती हूँ यहाँ पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6th पॉइंट लिखती हूं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। नाउ ये क्या है, दिस इज आर्टिकल 1, 2, 3, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, 1, 2, 3 क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ जाती है आपकी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है, यहां पे अब सपोज
देखो हमें पता है पार्लियामेंट थ्रू आउट ईयर बैठता नहीं है, पार्लियामेंट कुछ टाइम पे बैठता है, जिस टाइम पे पार्लियामेंट नहीं बैठता है उस टाइम पे सपोज कुछ इम्पोर्टेंट नीड आ जाती है, वहां पे प्रेसिडेंट क्या करता है, एक लॉ बना पास करता है। उस लॉ का क्या रहता है, अगर उनको लगता है कि कुछ नहीं भाई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, तो वो वहां पे उसको बस एक वर्ड दिया गया है, बनता लॉ ही है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट जो पार्लियामेंट के हक में सब्जेक्ट्स आते हैं, देखो क्या होता है, थ्री लिस्ट होती है, एक होता है आपका ये यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट। ठीक है, यूनियन मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार बना सकती है, स्टेट आता है जो स्टेट के हक में पावर्स होती है उनके रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर हो गया वगैरह ये सब चीजें, एग्रीकल्चर कभी कभी एजुकेशन फार्मिंग वगैरह ये सब। अब इसमें ये क्या करते हैं, इनको लगता है जो यूनियन लिस्ट के हाथ में सपोज क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड है, ठीक है, इनको लगता है कि नहीं जरूरी ऐसा बन चुका है, एक ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के नाम पे वो प्रोमोगेट कर लेता है सेशन को। सेशन मतलब वहां पे लोग नहीं बैठते हैं, खुद वो प्रेसिडेंट एक साइन कर लेता है, एक लॉ बन जाता है उसको। फिर क्या होता है, जब पार्लियामेंट वापस बैठ जाती है ना, उस लॉ को वहां पे पास करवाना होता है, फिर द सेम प्रोसीजर, अगर लोकसभा में हो है, लोकसभा में डिबेट होगी, फिर राज्यसभा में डिबेट, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा जाएगा, वहां पे पास होगा, फिर ये एक लॉ बन जाता है। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दैट मीन्स इन केस ऑफ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए, ऐसी इमरजेंसी आ गई, एक लॉ बन जाता है। अब ये सब बातें तो मैंने कर ली आपकी, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, अब वो मैं बताती हूँ, जो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। प्रेसिडेंट कैसे लॉ बनाएगा, पहले ये मुझे बताओ, मैंने आपको अभी बताया लॉ बनाने का काम रहता है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट कैसे बनाने लगा लॉ। नाउ दिस इज वेयर योर जिसको कहते हैं ना, एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जिसके जिसको हम कहते हैं आपका आर्टिकल 74 के रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 74 जब हम आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट है, वो लाइन क्या है इसको ध्यान से सुनो, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा जिसका हेड कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और वो एड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नाउ दिस इज वेयर द ट्विस्ट कम्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगा, और प्रेसिडेंट को देखो वर्ड क्या है, शैल, शैल होता है मैंडेटरी, जो बोला है वही करना है, एंड शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस एज पर द रिकमेंडेशन, दैट मीन्स प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन पे काम करेगा। अभी तक मैंने आपको जितनी भी प्रेसिडेंट के पावर्स बताए हैं, एक्चुअली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, वो देता है फिर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट करता है ओके 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 टिक 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 ओके ओके, ये रोल है। सो जिसको कहते हैं हम एक रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनल हेड हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाता है। गॉट इट? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट के जो हम बात किया, इतना कुछ बात किया, अब आपको मैंने बताया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, लॉ कौन बना रहा है, वो तो सरकार ही बना रही है। सरकार कभी कभी चालाकी करती है कि भाई पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह ना हो, जल्दी जल्दी इसको पास कर लेते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। व्हाट इट, दिस इज योर प्रेसिडेंट के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उनके रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है, टेक्निकली ज्यादा रोल नहीं है, ही इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा का स्पीकर एक अलग होता है, वो वहीं से निकलता है, राज्यसभा का स्पीकर बनाया गया है आपके वाइस प्रेसिडेंट को। सो
जो हमारा आज के नाम टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट है, वो आपका राज्यसभा का भी स्पीकर है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये हक दिया है। अदरवाइज हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास है टेक्निकल उतने पावर्स नहीं है, उसके पास पावर्स वो होते हैं, ऐसा नहीं है वो किसी को अपॉइंट कर सकता है। हाँ, वो इंटरनेशनल जिसको कहते हैं ना, वो इंटरनेशनल अफेयर्स डिप्लोमेसी के लिए जाता है मिलने वगैरह, वो दैट इज सेकेंडरी। बट एज अ रोल ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट उनका एज सच कोई रोल नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वो कर सकते हैं। जब मैंने आपको बताया वैकेंसी का, कल को कुछ वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट की, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट वहां पे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। अगेन वाइस प्रेसिडेंट का भी इसमें क्या रहता है, क्वालिफिकेशन सेम आगे, सिटीजन ऑफ इंडिया 5 ईयर्स तक भी इनका टेन्योर रहता है आपका इसमें। प्लस इसमें आपका क्या आ जाता है, 35 ईयर्स ऑफ एज, सेम 35 ईयर्स ऑफ एज, और he or she should be someone जो क्वालिफाइड हो फॉर इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ये आ गया आपका वाइस प्रेसिडेंट। लिटरली वाइस प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं है। आई विल रिपीट अगेन, वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा का, दैट मींस प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वहां पे चेयर बनी है वहां पे बनेगा, फिर यहाँ पे सारा हाउस बना होता है। सो उनके हाउस के हिसाब से जो रूल, जो लोकसभा स्पीकर अपने रूल्स वगैरह करता है, वही उनको भी बोला जाता है कि भाई तेरे को भी वैसे ही हैंडल करना है। और आई कैन से प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन जो हाउस है उसका है। सो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जो हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका प्राइम मिनिस्टर। फ्रेश हमें याद है इलेक्शंस हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सेम है बट फ्रेश इलेक्शन जरूर हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या है, ही इज द रियल हेड, इसको कहते हैं रियल एंड नॉमिनल। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, टेक्निकली वो एक एमपी है। अब जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी से प्राइम मिनिस्टर, बट वो एमपी है किसके, वाराणसी से। पार्टी ने उनको बोला कि भाई वी ही इज द लीडर ऑफ आर पार्टी, उसको सामने रखा। तो अब देखो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस साल जो इलेक्शन हुए किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी क्या रहता आपका, 272 मार्क, नहीं मिला किसी को भी। बीजेपी वॉज द लीडिंग पार्टी बट हाईएस्ट, मतलब जिसको मेजोरिटी पार्टी थी, नॉट मेजोरिटी, पार्टी विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स था, मेजोरिटी हो गया जिसने 272 क्रॉस किया। बीजेपी को मिला कुछ 240 के करीब। सो जिसको हम कहते हैं कि जो लीडिंग हाउस है आपका, सॉरी लीडिंग पार्टी है, उसको प्रेसिडेंट बुलाता है कि ठीक है यार तू लीडर है तो तेरी पार्टी को सबसे ज्यादा मिला है, लेट्स फॉर्म द गवर्नमेंट, व्हाई डोंट यू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये हक बनता है प्रेसिडेंट का और ये हक है प्राइम मिनिस्टर का, ओके आई विल फॉर्म द गवर्नमेंट, ये मेरी लिस्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इनको अपॉइंट करिए एज मिनिस्टर्स, इनको ओथ देनी है, ये सब चीजें। ठीक है, अगेन प्राइम मिनिस्टर कितने साल तक रहता है हमें पता है, 5 ईयर्स तक रहता है। ठीक है, ओथ दी जाती है इनको, कौन देता है ओथ, प्रेसिडेंट दे जाता है इनको। प्राइम मिनिस्टर को ऐसे डिसमिस नहीं कर सकता है क्योंकि जब तक वो मेजोरिटी इंजॉय करते हैं, सपोर्ट इंजॉय करते हैं लोकसभा में, तब तक उसको रिमूव नहीं किया जाता है। सपोर्ट मतलब जब तक वो मेजोरिटी में उनकी पार्टी है या उनका कोलिशन गवर्नमेंट आज के टाइम पे है, तब तक वो दिया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, इनके पावर्स क्या आ जाते हैं, वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करता है नाम, रेकमेंड कि सर दीज अदर नेम्स, इनको अपॉइंट करना है। सरकार ही लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ओनली सब नाम रेकमेंड करता है, चाहे वो आपका अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके रिलेटेड हो। सो किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है कि भाई यू वांट टू रिजाइन। देखिए कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, हेल्थ मिनिस्टर पे काफी क्वेश्चन हुए थे, प्राइम मिनिस्टर टोल्ड हिम टू रिजाइन, मिस्टर हर्षवर्धन वॉज अवर हेल्थ मिनिस्टर दैट वे, तो ही रिजाइन। सो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये आ जाता है, गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है आपके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उनकी एडवाइसेस को,
उनकी एक्टिविटीज को भी। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी कोलैप्स हो गया, क्योंकि यू आर देयर बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब उनका हक क्या बनता है? आप कभी देखिए, कभी वीडियो आता है, कभी फोटो आती है, टुडे नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर को एक ड्यूटी दी गई है कि उनको टाइमली इंफॉर्म करना है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि हमारी सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है, क्या काम किए हमने। अगेन ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूके से लिया है। वहां पे ना हर हफ्ते, आई डोंट रिमेम्बर द डे बट आई थिंक इट हैज टू बी ट्यूजडे, प्राइम मिनिस्टर जाता है उनके किंग के पास, किंग या क्वीन जो भी है, उनको बताने के लिए कि ये हमारी सरकार स्टेप्स ले रही है, दिस इज एक बेसिक नॉर्म फॉलो करना। ठीक है, लीडर ऑफ द लोअर हाउस होता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि कब आपने सेशन लेना है पार्लियामेंट में, अगर डिसॉल्व करनी है लोकसभा उसके लिए भी प्रेसिडेंट को देता है। अब आप बोलोगे ये तो प्रेसिडेंट का रूल था, बट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आज के टाइम पे प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर आपका हेड आ जाता है इसमें, चेयरमैन है नीति आयोग का भी, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, ऑफकोर्स आपका यूनियन गवर्नमेंट का, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं इसके रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड। अब अगर आपने प्रेसिडेंट समझा है, वैसे ही सेम आपका प्राइम मिनिस्टर भी है, वैसे ही सेम आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेगा जो काम करता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ठीक है, लाइक आई सेड, प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो सब जितना भी उनकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करना है उनको प्रेसिडेंट को, जितने भी आपके डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हुई है। गॉट इट गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम लोग पार्लियामेंट का स्टार्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती हैं उसको देखते हैं, एक लेक्चर में दो लेक्चर में बाइफर करेंगे एंड देन उसके साथ फिर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।